उत्तराखंड में 25 मई तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। बंदिशों के साथ फिर से राज्य में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक सप्ताह के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। शादियों में शिरकत करने वाले लोगों के लिए RT-PCR की रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ई पास की प्रक्रिया करेगा। कल सुबह 5 बजे कोविड कर्फ्यू की मियाद पूरी हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। बढ़ते कोविड के मामले और मौत के आंकड़ों को देखते हुए कल सख्ती के आदेश हैं, अब और सख्ती हो गई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। तो 25 मई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया और बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। साथ ही साथ शादियों में जाने वाले लोगों के लिए सख्ती और बढ़ी है। अब जिन्हें शादी समारोह में जाना है उनको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना उनके लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही साथ जिलों के लिए ई पास की व्यवस्था भी होगी। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उन सब के बीच अब 25 मई तक कोविड कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया है और इस बार जो नियम है वो पहले से ज्यादा सख्त किए गए हैं। शादियों में अगर जाना है तो RT-PCR जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव लानी होगी और इसके साथ ही साथ जिलों में ई पास की व्यवस्था भी जिला प्रशासन करेगा। मतलब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी ई पास की जरूरत होगी। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। विनोद, जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, क्या वजह रही, क्या अभी भी स्थितियां गड़बड़ चल रही हैं उत्तराखंड में और नई सख्ती कौन कौन सी है? जी अवधेश, देखिए कल कोविड कर्फ्यू की मियाद सुबह 5 बजे खत्म हो रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जो जानकारी है अब आगामी 25 मई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के माध्यम से दी गई है। और इस बार सख्ती और भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें एक शादी का होना बहुत ही एक कारण बनता जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की शादी हो रही थी और ऐसे में जो शादी में शिरकत करने वाले लोग हैं उनकी कारण संख्या में बढ़ोतरी का भी एक कारण माना जा रहा है, जिसके चलते एक सख्ती बरतते हुए अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बार जो शादी होगी उसमें जो शादी में शिरकत करने वाले लोग होंगे उनको भी अपनी RT-PCR की रिपोर्ट लानी होगी, तभी वो शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ में ई पास की भी व्यवस्था अब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देशित कर दिया है कि वो ई पास की भी व्यवस्था करे। अब तमाम जो सख्ती पूर्व में देखी जा रही है वो तो रहेगी ही, लेकिन आगामी 25 मई तक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और लगातार उत्तराखंड में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ अवधेश मौत के आंकड़े सबसे सब लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि यही वजह है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो चिंता का सबब बने हुए हैं। चिंता इस बात की है कि बढ़ते कोविड संक्रमण पर कैसे रोकथाम हो, जो मौत के आंकड़े हैं उस पर कैसे विराम लगे। कल सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू की मियाद खत्म होनी थी, लेकिन शाम तक एक आधिकारिक पुष्टि और एक आधिकारिक आदेश कोविड कर्फ्यू का 25 मई तक के लिए हो जाएगा। यानी कि विनोद ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कोविड अब जो सख्ती है वो पिछले साल के कंप्लीट लॉकडाउन की तरह ही हो गई है, बस नाम कोरोना का है। सख्तियां सब वैसे ही, पहले भी पास की जरूरत पड़ती थी, अब फिर से पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हालात वही है, पैनिक ना हो इसलिए उसको कंप्लीट लॉकडाउन का नाम नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सही कहा अवधेश। और यह देखिए मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि प्रदेश के 4 जनपदों में जिस तरह से विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा घातक हो सकते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक कदम उठाया है कि प्रदेश के 4 जनपदों में जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चंपावत में
कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चों में इस तरह के लक्षण तीसरी लहर के दौरान पाए जाते थे, उससे पहले ही राज्य सरकार अपनी सचेत हो रही है, तमाम व्यवस्थाओं करने में जुटी है। और एक केस उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का भी आ गया है, जिसके चलते अब चिंता और बढ़ने लगी है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, तो ऐसे में अब ब्लैक फंगस का एक मामला उत्तराखंड में आया है। तो जरूर है राज्य सरकार की चुनौती बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग की चुनौती बढ़ रही है, लेकिन आगामी 25 मई तक कोविड कर्फ्यू जारी को बढ़ाया गया है और सख्ती के साथ बढ़ाया गया है। और पुलिस प्रशासन और तमाम जितने भी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सख्ती अधिक से अधिक हो, ताकि जो बढ़ती कोरोना संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जाए। आदेश बिल्कुल विनोद, सख्ती तो बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है? अब लोगों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं? जी अवधेश, देखो थोड़ी सी हल्की सामान्य स्थिति हुई है, और ऐसे में जहां एक तरफ 9000 के केस उत्तराखंड में आ रहे थे, तो अब करीब 4500 के केस उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो इससे थोड़े कोविड के केसों में थोड़ी सी राहत तो जरूर हुई है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और उसके चलते चाहे ऑक्सीजन की दिक्कत हो या फिर बेडों की दिक्कतें हो रही थी, अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थे, तो हल्की जरूर राहत लोगों को मिल रही है। अब ऐसे कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर अब बेड उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है, ऑक्सीमीटर, तमाम दवाइयों की कालाबाजारी पर भी राज्य सरकार ने नकेल कसी है, तो थोड़ी राहत की बात उत्तराखंड के लिए यही है। लेकिन मौत के आंकड़े सबसे डराने वाले और सबको हैरान करने वाले हैं, क्योंकि लगातार कल ही 190 से ज़्यादा मौतें उत्तराखंड में हुई है। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए अवधेश की, प्रदेश के 13 जनपदों में और छोटे से प्रदेश 190 से ज्यादा मौत होना कितना चिंता का सबब चिंता है, कितना चिंता की बात है। जो कोरोना कर्फ्यू लग रहा है, इसका पालन जनता को भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे लापरवाही होगी तो फिर आपका भी नुकसान होगा और व्यवस्था भी चरमराती है। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। एक तरफ कोरोना संक्रमण से लोग परेशान है, तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे प्रदेश में पैर पसार रहा है। रुड़की में हालांकि स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस से निपटने के दावे कर रहा है, लेकिन रुड़की देहात क्षेत्र के सिविल अस्पताल में पिछले लंबे समय से कोई भी ENT स्पेशलिस्ट नहीं है। इससे ब्लैक फंगस के मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है, प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन ENT स्पेशलिस्ट न होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। हमारे रुड़की में अभी नहीं है, लेकिन हरिद्वार में जो कुंभ में आए थे ENT स्पेशलिस्ट, हमने उनको रोका हुआ है, और आगे के लिए भी हम DG मैडम से भी बात हुई है कि उनको वहीं पोस्टिंग कराएंगे। और हमारे पास डॉक्टर RB सिंह हैं, जो हरिद्वार में ENT स्पेशलिस्ट हैं और अभी पोस्टेड हैं वो, और वहाँ बेस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो। तो अगर ब्लैक फंगस का यहाँ आएगा तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी होगी कि हम उसको जितना जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएँ या प्रॉपर जो भी इलाज है वो करा पाएँ। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना के हाल की। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4496 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 188 लोगों की मौत हुई। सूबे में अभी भी कोरोना के 78,802 एक्टिव केस हैं। जिलेवार कोरोना का आंकड़ा अगर देखें तो राजधानी देहरादून में 1248, हरिद्वार में 572, पौड़ी में 391, उत्तरकाशी में 351, जबकि टिहरी में 498 नए केस सामने आए हैं, जबकि बागेश्वर में 153, नैनीताल में 117, अल्मोड़ा में 65, पिथौरागढ़ में 100, उधम सिंह नगर में 393 नए मामले सामने आए। उधर रुद्रप्रयाग में 356, चंपावत में 41, चबोली में 211 केस सामने आए। पहाड़ी जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। यहां पर कोरोना के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिससे स्थिति विकट है और माहौल भी लोगों को डरा रहा है। यहाँ पौड़ी गढ़वाल ऐसा पहाड़ी जिला बन गया है जहाँ सबसे अधिक मामले अन्य पहाड़ी जिलों के मुकाबले सामने आ रहे हैं। फिलहाल पौड़ी में रोजाना 300 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिससे हालात बेहद खराब। ये काफ़ी गंभीर समस्या है। पिछली जो लहर आई थी उसमें देखा गया था कि गाँव में काफ़ी पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन इस बार जितने भी प्रवासी आ रहे हैं उनको ना क्वारंटीन सेंटर्स मिल रहे हैं, ना ही प्रशासन की तरफ से उपरोक्त पूरी व्यवस्था है। और यही देखने को मिला है कि अभी तक वैक्सीनेशन की भी जिस तरह से किल्लतें हो रही हैं, पंचायत के स्तर पर उनका ना पहुंचना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे जितने भी प्रवासी भाई हैं और जितने भी लोग वापस आ रहे हैं, उन सबके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक इनकी टेस्टिंग नहीं हुई, ना इनके सैंपल्स लिए गए। क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहले से ही जो है कि पटरी पर नहीं है, और ऐसे समय में
जबकि महामारी आई है। अब हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। शासन प्रशासन हालांकि यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है, लेकिन वो व्यवस्थाएं ना काफ़ी हैं और अभी तक तो केवल खाना पूर्ति के तौर पे ही मैं समझ रहा हूँ कि देखी जा रही है। में जितना भी कोविड का केसेस निकल के आ रहा है, हम लोग हर ग्राम पंचायत में प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर सैंपलिंग किया जाए, हर ग्राम पंचायत में पहुंचकर मेडिकल कैंप लगाया जाए। इसके वजह से अधिक संख्या में हमारे यहाँ पे केसेस का संख्या उभर के आ रहा है और ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि हम जितना टेस्ट करेंगे, उतना ट्रेसिंग करेंगे, उतना ही संक्रमण पर काबू पाने का भी एक अवसर हमको मिलता है। और जिनको हम टेस्ट करते हैं, जिनका सैंपल पॉजिटिव आता है, वो व्यक्ति का इलाज हम लोग जो है, जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हम कर सकते हैं, जिससे उसकी जान बचाने में भी हमको मदद मिलता है। दिल्ली के सीमांत क्षेत्रों के लिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट ने एक बड़ी सौगात दी है। हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट ने सीमांत क्षेत्र के लिए 2 एम्बुलेंस और 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। वह एम्बुलेंस मिलने से सामान क्षेत्र की नीति घाटी और माना घाटी के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस पूरे मामले में गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में गुरुद्वारा कमेटी हेमकुंड साहिब क्षेत्र की जनता को मदद दिलाने के लिए तैयार है। अभी जैसे ये कोविड महामारी का दौर है तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ने 2 एम्बुलेंस तुरंत भेज दी है, जो एक जोशीमठ क्षेत्र को कवर करेगी और दूसरी गोविंदगढ़, पांडुकेश्वर, लामबगड़ और हनुमान चट्टी तक। कोई भी कोविड का पेशेंट होगा जिसको एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी, घर से हॉस्पिटल में आना होगा, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हॉस्पिटल में पहुँचाएँगे। उसके अलावा कोई कोविड का पेशेंट है और उसको लग रहा है कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन मैंने हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हॉस्पिटल में बेड उसको प्रोवाइड नहीं है, तो कंसंट्रेट मशीन उसके घर में दी जाएगी। जब तक वो 5-6 दिन, जब तक उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी, तो 5-6 दिन तक उसके घर में को ये मशीन रुकेगी रहेगी और जब वो अच्छा फील करने लगे तब वापस गुरुद्वारा में इसको जमा किया जाएगा। और भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खोल दिए गए, जिसके बाद सबसे पहले यहाँ पर पीएम मोदी के नाम की पूजा की गई। जिलाधिकारी ने अपने हाथों से पूजा अर्चना कर पीएम मोदी के नाम की पूजा की। मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। सुबह तड़के 3 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। मुख्य पुजारी बागेश लिंगे ने बाबा की समाधि पूजा के साथ अन्य औपचारिकता पूरी की और इसके बाद 5 बजे बाबा के कपाट खोल दिए गए। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित केदारनाथ में इस बार भी कपाटोद्घाटन समारोह सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। फिलहाल कोरोना महामारी के कारण यात्रा पर रोक लगी है। सिर्फ कुछ तीर्थ पुरोहितों को ही केदारनाथ धाम जाने की इजाजत है। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट बड़े सादगी से और कोरोना महामारी को देखते हुए आम श्रद्धालु के लिए, आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। और पहली पूजा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहली पूजा यहां पर संपन्न हुई और भगवान के कपाट बड़े सादगी से और परंपरा अनुसार और वेद मंत्रों द्वारा, रावल जी द्वारा, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हक उकदारी द्वारा यहाँ के कपाट खोले गए। और मैं समस्त केदारनाथ के भक्तों से आग्रह करूँगा कि आप घर बैठे भगवान का ओम नमः शिवाय जाप करें और नई गाइडलाइन का इंतजार करें। जल्दी ही भगवान के कपाट आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। चारों धाम में अब सिर्फ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलना बाकी है, जो 18 मई यानी कि कल सुबह 4:15 पर खुलेंगे। इन सभी धाम में कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा भी बंद है। हालांकि रोजाना पूजा अर्चना चलती रहेगी। सभी धामों में पूजा पाठ से जुड़े लोगों को अंदर जाने की अनुमति रहेगी। इनकी संख्या भी 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। सुबह 5 बजे आज केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। भक्त सिर्फ ऑनलाइन दर्शन ही कर सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं से अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करने की अपील की है। तो यमुनोत्री धाम के कपाट पहले खुले, फिर गंगोत्री, आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले और कल सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ यात्रा बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी के नेतृत्व में पांडुकेश्वर के योग ध्यान मंदिर पहुंची। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए स्थानीय श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नृसिंह मंदिर में महिलाओं ने भगवान के मंगल गीत और भजन गाए। नृसिंह मंदिर में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी के नेतृत्व में पंच पूजा सहित
दूसरी पूजाएं किए जाने के बाद शंकराचार्य की गद्दी डोली और तेल कलश पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर में पहुंची। यहां पर विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान उद्धव और कुबेर की उत्सव डोली भी इस यात्रा में शामिल होकर बद्रीनाथ धाम पहुंची। अब 18 मई को सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। जोशीमठ में कल सुबह भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। आज योग ध्यान मद्री मंदिर में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी के नेतृत्व में विशेष पूजा की गई। साथ ही पांडुकेश्वर की महिलाओं ने विशेष वेशभूषा में भजन की स्तुति प्रस्तुति की। इसके बाद पांडुकेश्वर से भगवान उद्धव और कुबेर की डोली भी योग ध्यान बद्री मंदिर बद्रीनाथ धाम पहुंची। इन डोलियों के साथ आदिगुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी और गाडूगढ़ा तेल कलश भी बद्रीनाथ धाम पहुंचा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीएम ने कहा कि अभी से इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कोरोनाग्रस्त मरीजों के बच्चों और परिजनों के लिए अस्पतालों के आसपास के होटल और संस्थानों में उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया है। जो तीसरा वेव आएगा, थर्ड वेव होगा, उसके लिए अभी से हमारी पूर्ण तैयारियां हैं और मैं कह सकता हूं कि उस समय हमारे पास पूर्ण तरह तैयारी और हम लोग अपने आप में सक्षम होंगे। साथ में ही हॉस्पिटल के अगल बगल कुछ संस्थान और होटल्स, ये हमने कह दिया डीएमओ को और मैंने सीधा सीधा कहा कि उसकी तैयारी भी आप अभी से रख लें। सीएम तीरथ रावत ने ऐसे लोगों की मदद की अपील की जो मदद करने में सक्षम है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को अलग अलग संस्थाओं की तरफ से मदद मिल रही है। दिल्ली के एक संस्था ने 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राज्य को दिए हैं, वहीं हेमकुंड फाउंडेशन ने भी 50 ड्यूअल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। उन्होंने अपील की है कि जो लोग भी सक्षम हैं वो इस महामारी के दौर में उत्तराखंड की मदद करें। उनके माध्यम से और हमारे मंत्री गुणेश जोशी जी के तत्वावधान में ये 40 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्राप्त हुए हैं और इनको हम अभी सीधे पहाड़ के जिलों में भेज देंगे। यहाँ भी इन्होंने बहुत सारा दिया हुआ है, कई तरह के ऑक्सीजन शायद प्लांट में भी इन्होंने मदद की और भी इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे जो सत्संग जो परिसर है वहाँ भी आप कोविड सेंटर खोल सकते हैं। पिथौरागढ़ जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बिशन सिंह जुफाल ने डीडी हाट मुनस्यारी तहसील के सामुदायिक केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवाइयों, वैक्सीन, ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली। इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर की स्थिति का निरीक्षण किया। बिशन सिंह जुफाल ने कहा कि जिले में 74 और वैक्सीनेशन सेंटर प्रस्तावित है। पूरे जनपद में 34 काम कर रहे हैं और 74 अभी प्रस्तावित है, इसलिए पूरे जनपद में 104 वैक्सीनेशन सेंटर काम करेंगे। बहुत जगह से अभी भी लोगों के मांग आई है कि हमारे क्षेत्र में के फिर उस क्षेत्र में नेटवर्क होगा तो उस क्षेत्र में भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे, उसका प्रस्ताव भी हम शासन को भेजेंगे। रुद्रप्रयाग के कई गांव में वायरल फीवर से लोग परेशान हैं। कोरोना के भय से लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। जो लोग अस्पताल उपचार के लिए आना चाहते हैं उन्हें वाहन लाने के लिए तैयार नहीं है। समय पर बीमार लोगों को उपचार नहीं मिला तो अनहोनी भी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों के लिए 12 टीमें बनाई गई हैं जो नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में शहरी इलाकों से लौटे प्रवासियों के साथ ही ग्रामीण जनता काफी परेशान है। हमारी जो सेंट्रल टीम्स हैं वो सैंपलिंग के लिए, बल्क में सैंपलिंग के लिए और दवाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं। हमारी वर्तमान में 12 सैंपलिंग टीम्स जो है उनका प्रयास ये रहता है कि अलग अलग गाँव में पहुँचें और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा डेली का जो सैंपलिंग है रेट वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इसमें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ज्योग्राफी की वजह से एक साथ में कई सारे गाँव टेकअप नहीं किए जा सकते, एक गाँव में जाके दूसरे गाँव में जाना वो संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनका एक रोस्टर बना लिया गया है जिसके माध्यम से टीमें भिजवाई जा रही हैं। ये अभी ऐसा है कि अभी जो हमारे बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं तो अगर वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तब तो ठीक है, जो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं उनका हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारा एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट भी साथ साथ आ जा रही है हमारी।
रुड़की क्षेत्र में शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना से दहशत है। ग्रामीण इलाकों में खासकर खांसी, बुखार और गले में दर्द की शिकायत है। ज्यादातर लोग लोकल डॉक्टर से दवाइयां लेकर ही इलाज कराने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में ना तो कोरोना टेस्ट की कोई खास सुविधा है और ना ही लोगों को ठीक से जानकारी है कि कोविड का टेस्ट कराएं कहां। अकेले लावर बरहेड़ी गांव में पिछले दो हफ्ते में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से तीन लोग कोरोना संक्रमित थे। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में 80 लोगों के सैंपल लिए, जिसमें से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है, इसके अंदर 14-15 हज़ार की आबादी है और पिछले कुछ दिनों में यहाँ 30-35 मौत हुई है। कुछ उनमें से ज़्यादातर नेचुरल डेथ हैं और शायद कुछ उनमें कोरोना इफेक्टेड भी है। बुखार खांसी है बहुत लोगों को और कुछ लोग डर भी रहे हैं। अभी काफ़ी बड़ा गांव है, नियर अबाउट 20,000 के आसपास पॉपुलेशन है वहाँ की। तो दो वीक में 15 से 17-18 लोगों की डेथ सामने आई है, जिसमें से कि काफ़ी ओल्ड एजेज लोग भी है। खुद आज सुबह प्रातः ग्राम प्रधान जी से भी वार्ता हुई है और आज प्रॉपर गांव में सैनिटाइज चल रहा है। तो सभी के द्वारा भी अवगत कराया गया कि सर विद इन टू वीक्स में जो 15-16-17 लोगों की डेथ हुई है, उसमें कुछ लोग नेचुरल डेथ भी है और कुछ लोगों को खांसी बुखार की शिकायत थी। हरिद्वार के कोविड हॉस्पिटल में 65 कोरोना मरीजों की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि अस्पताल ने इन मौतों की सूचना प्रशासन से छिपा ली। 25 अप्रैल से 12 मई के बीच हुई इन मौतों की कोविड कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं दी गई। राज्य सरकार ने कोविड कंट्रोल के नोडल अधिकारी ने हॉस्पिटल और सीएमओ हरिद्वार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। तो ये भी खेल चल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई लेकिन उसकी जानकारी कोविड कंट्रोल सेंटर को नहीं दी गई। देखिए ये वही अस्पताल है जहां पर ये मामला सामने आया है। इसमें बीच में कुछ डॉक्टर्स जो है वो अवकाश में होने के कारण वो तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अपडेट नहीं कर पाए हैं करके सूचना आ रहा है। फिलहाल इसको डिटेल ढंग से जो है अभी रिव्यू करने के लिए आदेश किया हूँ। इसमें जब भी कोई डेथ होता है उसके बाद डेथ ऑडिट भी जो है एक टाइम के अंतर्गत होना चाहिए, मगर उसमें जो है किसी डॉक्टर का अवकाश में होने के कारण उसको तत्काल जो है संकलन ना कर पाने का सूचना मिल रहा है। तो इसको जो है सुचारू रूप से ढंग से करने के लिए जो है निर्देश दिया है।